आपने बहुत सारे शोज किए हैं, तो जोरदार तालियां एक बार अनिता सहगल जी के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक छोटे से इंसान के रूप में ऊपर वाले ने गलती से पृथ्वी पर भेज दिया अनिता को, और एक समाज सेवा करने का थोड़ा सा किरदार निभाने का ऊपर वाले ने आदेश दिया। वो कोई भी क्षेत्र हो, शायद उसी किरदार को निभाती है आपके सामने खड़ी है अनिता। और बस मैं ये कहते हुए आपके सामने से विदा लेती हूँ और मंच रवि जी के हवाले करती हूँ। भैया तनी रुक जाओ, रुका तनी। रवि जी के लिए जैसा इनका नाम है वो तो ये प्रश्न कर ही रहे हैं, सार्थक कर ही रहे हैं। सूरज का पर्याय, जी हाँ, इन्होंने अपने गीत संगीत और प्रतिभा के माध्यम से उसको पूरी तरह से रोशन किया। महान संगीत गायक सुरेश वाडकर जी के शागिर्द हैं, उन्हीं के ही संरक्षण में रहकर आपने तालीम ली और आज भी उन्हीं के साथ संगीत की बारीकियां सीख रहे हैं। उससे बड़ी बात, रवि जी ने सिर्फ हमारे प्रदेश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, शोज किए हैं और इनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। और आज इस खूबसूरत से मंच पे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने हम सभी के बीच में है। बस ये कहते हुए अनिता आपके पास से फटती है, चंदन चंदन मन महके हैं, चंदन चंदन मन महके हैं, बहकी बहकी रात है, चंदन चंदन मन महके हैं, बहकी बहकी रात है, यहां से लेकर वहां तक सभी के होठों पर बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। सो तालियां। थैंक यू सो मच। सौभाग्य है मेरा कि मैं विश्व के सबसे प्राचीनतम शहर और जिसको अगर मैं आध्यात्म की राजधानी, ज्ञान की राजधानी कहूँ तो कम होगा, वहाँ हमको परफॉर्म करने का मौका दिया, इसके लिए मैं फिल्म बंधुओं को, संस्कृति विभाग को, सारे